दोस्तों, किसी ने बहुत खूब कहा है कि कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता, कुछ भी बड़ा या छोटा नहीं होता, कुछ भी खूबसूरत या बदसूरत नहीं होता, और कुछ भी अमीर या गरीब नहीं होता तब तक जब तक कि आप उसको कंपेयर नहीं कर देते किसी चीज़ के साथ। दोस्तों, आज इस छोटी सी वीडियो के जरिए आपको बताने वाला हूँ लॉ ऑफ रिलेटिविटी के बारे में एक छोटी सी बात। दोस्तों, लॉ ऑफ रिलेटिविटी हमें बताती है कि जब एक एप्पल को अकेले में देखा जाता है तो वह एक अच्छा फ्रूट नज़र आता है, एक अच्छे रंग का फ्रूट नज़र आता है, उसमें कई विटामिन पता है, उसका एक अलग टेस्ट है और डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं कि सेब खाना चाहिए। लेकिन जब उस फ्रूट को, उस सेब को कंपेयर किया जाता है तरबूज के साथ, तब पता लगता है कि शायद तरबूज का टेस्ट तो ज़्यादा मीठा है, शायद तरबूज तो कितना बड़ा है उस छोटे से सेब के मुकाबले, शायद तरबूज एक बेहतर फ्रूट है सेब से। उसकी वजह से, उस कंपैरिजन की वजह से, उस रिलेटिविटी की वजह से सेब की खूबसूरती कह दी जाए या सेब का टेस्ट कह दिया जाए या फिर सेब का साइज़ कह दिया जाए, वो हमें छोटा लगने लग जाता है। दोस्तों, लॉ ऑफ रिलेटिविटी बताती है जब भी किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर किया जाता है तो या तो वो चीज़ की खूबसूरती बढ़ जाती है या उस चीज़ की खूबसूरती कम हो जाती है, या तो उस चीज़ की वैल्यू बढ़ जाती है या कम हो जाती है, यानी कि उसकी जो ओरिजिनैलिटी होती है वो हर्ट हो जाती है। यानी कि जब आप अपने गोल्स को किसी के गोल्स के साथ कंपेयर करोगे, या तो आपके गोल्स आपको छोटे लगने लगेंगे या ज़्यादा ही बड़े लगेंगे, या तो आपको आपके सपने किसी के सपनों के साथ कंपेयर करने के बाद बड़े लगेंगे या छोटे लगेंगे, या तो आपको आपकी नेटवर्थ या फिर आपके पैसे किसी के पैसों के साथ कंपेयर करने के बाद ज़्यादा लगेंगे या फिर कम लगेंगे। बेसिकली आप उस चीज़ की खूबसूरती, आप उस चीज़ की वैल्यू ख़त्म कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं कंपैरिजन करके। इस छोटी सी वीडियो के ज़रिए आपको सिर्फ यही बताना है कि हो सके तो अपनी वैल्यूज़ को, हो सके तो अपने सपनों को, हो सके तो अपने गोल्स को, हो सके तो अपने पैसों को, हो सके तो हर उस चीज़ को जो आपकी है उसको दूसरों के साथ कंपेयर ना करें। या तो आपको आपकी चीज़ें छोटी लगने लग जाएंगी या आपको आपकी चीज़ों में वैल्यू कम लगने लग जाएगी, या तो आपकी चीज़ों की जो ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनलिटी है, वो ख़राब हो जाएगी। तो लॉ ऑफ रिलेटिविटी तो आता है कि जब भी किसी चीज़ का कंपैरिजन होता है तो कमियां नज़र आ ही जाती हैं, तो हो सके तो कंपैरिजन ना ही कीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सबको बता पाऊँ कि आपके पास जो है, जैसा है, बेहतर है, ज़बरदस्त है, उसे कंपेयर मत करना किसी चीज़ के साथ। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सबकी मदद हो पाए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जुड़ता रहूं मैं हर हफ्ते ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रोहित थापर, मोटिवेटेड टू मोटिवेट।